रेगुलर वीडियो डालते हैं पर डे मैंने जैसा आपके देखता हूँ कि आपकी वीडियो आती रहती है तो उस कंसिस्टेंसी को कैसे बनाए रखने आप क्योंकि आपके बहुत सारे वर्क हैं तो आप उसको मैनेज कर रहे हैं और साथ साथ वीडियो भी डाल रहे हैं सर वो चीज़ में जाना चाह रहा हूँ मैं जब YouTube पे आया था तो मैं एक मैं थोड़ा सा हमेशा फील करता हूँ कि जो आज का यूथ है वो जब यूट्यूबर्स या सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स को देखता है तो वो जनरली देखता है कि बहुत फेम है बहुत पैसा मिल रहा है उस वजह से वो लोग इस फील्ड में आना चाहते हैं ये थॉट प्रोसेस थोड़ा सा नेगेटिव है क्योंकि मैं इस वे में नहीं आया था 2014 में मैं बताना चाहता हूं कि आ, मैं बहुत आ, अपने आप को लकी मानता हूं कि मेरे पास इतने छः महीने के पैसे थे कि मैंने ब्रेक लिया तो वो थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है उसी के बारे में अभी बता रहा हूं वो छः महीने का ब्रेक लिया उसमें मैं खुद को एक्सप्लोर करना चाहता था कि मेरी कैपेबिलिटीज़ क्या है मैं क्या करना चाहता हूँ तब मुझे यूट्यूब की याद आई मैंने कहा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर मैं जो सीखा हूँ उसके अगर मैं एक वीडियो बना देता हूँ और उसे मैं अपलोड कर देता हूं तो मुझे अगर आप 10 साल बाद भी देखना हो या मेरे बच्चों को भी सिखाना हो कि देखो मैंने ये इजाद किया था जिसकी वजह से मुझे फैसिलिटेट किया गया था मैं एक वीडियो अपलोड करता हूं ताकि ये यू you नो know, एक लाइफ टाइम तक सेव रहेगा मैं इस वे से आया था मुझे पैसा नहीं कमाना था मुझे फेम नहीं कमाना था मुझे अपने लिए वीडियो बनाना था ताकि वो सेव रहे ताकि दस साल बाद भी भूल जाऊँ तो मैं रिकॉल कर सकूँ और जहाँ तक रही अपनी लाइफ को मैनेज करने की चीज़ अगेन वो स्केड्यूल पर डिपेंड करता है अगर आप प्रॉपरली अपने आप को अपने स्कड्यूल को मैनेज करोगे तो आप सारी चीज़ें कर सकते हो पहले थोड़ा डिफिकल्ट लगता था क्योंकि पहले वन मैन आर्मी था मैं अकेले खुद ही स्क्रिप्ट लिखना खुद ही शूट करना उसके बाद एडिटिंग में कहीं ना कहीं एक एडिटर था मेरे साथ में बट फिर भी वहाँ पार्टिसिपेशन था लेकिन अभी टीम हो गई है तो मैं थोड़ा टाइम मेरा बच जाता है अगेन थोड़ा ज़्यादा ही बच जाता है तो मैं उसमें थोड़ा बहुत एक एक बुक लिखी है मैंने वो भी लॉन्च हो गई है उस पर भी मैंने काम किया और फाइनली मैं अपने स्टार्टअप पे भी काम कर रहा हूँ सो इट्स ऑल अबाउट योर स्केड्यूलिंग अगर आप अच्छे से टाइम मैनेजमेंट जो कि स्किल संदीप सर भी सिखाते हैं अगर वो सीख लें अपने आप को मैनेज करना सीखें और सिर्फ लिखने से कुछ नहीं होता आपने पेपर पर पे लिख, लिख लिया मैं इतने बजे उठूँगा कमिटमेंट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट अगर आप अनुशासित हैं कमिटेड हैं तो आप आगे जा सकते हैं और कई लोग अनुशासन को यानी कि डिसिप्लिन को भी एक अलग तरीके से देखते हैं उसका रियल डेफिनेशन ये नहीं है कि किसी भी काम को रेगुलरली करना नहीं चाहे वो काम आपकी पसंद का हो या पसंद का ना हो फिर भी अपने फ्यूचर के लिए अपने आप के लिए अपनी फैमिली के लिए अपनी सोसाइटी के लिए ना पसंद होने के बावजूद भी अगर आप उसे कंसिस्टेंसी से करते हो रेगुलरिटी से करते हो दैट इज कॉल्ड डिसिप्लिन